नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हज के मुकद्दस सफर पर मक्का मदीना गए हाजियों की वापसी का सिलसिला भोपाल और इंदौर एम्बरकर्शन पॉइंट से शुरू हो चुका है। हज करने के बाद पवित्र धर्म स्थल से भोपाल लौटे हाजियों का जोरदार स्वागत किया गया। भोपाल में सुबह 4:30 बजे एयरपोर्ट पर हाजियों की वापसी का पहला जत्था पहुंचा। इसमें कुल 161 हाजी शामिल थे। सभी हाजियों का देर रात्रि परिजनों के साथ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी और कमेटी के सदस्यों ने हार फूल मालाओं से यात्रियों का इस्तकबाल किया। करीब 40 दिन बाद अपनों को देखकर परिजनों की आंखों से आंसू छलक आए। पूरा एयरपोर्ट तकरीरों से गूंज उठा। बता दें कि भोपाल के हाजियों की वापसी का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान यहां के करीब 2300 से ज्यादा हाजी वापस लौटेंगे। प्रदेश के हाजियों की रवानगी के दौरान भी भोपाल के हाजियों की फ्लाइट देर रात और अल सुबह रवाना हुई थी, जिसके चलते हज हाउस से हाजियों को आधी रात को रवाना किया गया था। इसके बाद इनकी वापसी का सिलसिला भी देर रात शुरू होकर अल सुबह पूरा होगा। हाजियों को इस बार जमजम का पानी एयरपोर्ट पर ही देने की व्यवस्था की गई है। प्रभारी सीईओ मसूद अख्तर की मानो तो एयरलाइंस द्वारा एक साथ जमजम एयरपोर्ट पर लगाया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की निगरानी में रखे गए इन जमजम केन को हज कमेटी द्वारा हाजियों की वापसी पर वितरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए हाजियों को अपने गेज में जमजम लाने की पाबंदी लगाई गई है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आज हाजियों की पहली फ्लाइट आई, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने साफ शरीयत के साथ आज हाजी साहिबान, आज की फ्लाइट में 161 हाजी साहिबान अपने सरजमी हिंदुस्तान में आए हैं। आज हज कमेटी के चेयरमैन के नाते मैंने उनका स्वागत किया, अपने देश में आने पर उनका वेलकम किया और उनको हज की मुबारकबाद दी। ये कितनी फ्लाइट और बची हैं, लगभग कितने हाजी आना होंगे, कब तक फ्लाइट रहेगी? 31 तारीख तक ये फ्लाइट्स आएंगी और लगभग 161 से लेकर 180 तक जहाज की कैपेसिटी के अनुसार हाजी आते रहेंगे। और जितने हाजी साहिबानों से बात हुई, सारे हाजी साहिबान बड़े खुश थे और अल्लाह ताला ने उनके सारे अरकान और हज को कबूल फरमाया। ऐसी हम सब लोगों की उनके साथ दुआएं थी, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए और हिंदुस्तान की सरजमी पर उनका दिल की गहराई से इस्तकबाल हम सब लोग कर रहे हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।